नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल दशमांश निगम वे में। और फ्रेंड्स, मैं अपने आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग टर्मिनल पे हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर टाइप्स, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो का कि सर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताइए। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, SLM ऑर्डर क्या होता है। और इस वीडियो में भले ही आप स्टॉक मार्केट में नए हो या पुराने, मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ SLM ऑर्डर को यूज़ करने का, जो शायद ही आपने पहले कभी सोचा हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक मार्केट ऑर्डर सिंपली लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक मार्केट ऑर्डर सिंपली हमने लगा दिया बजाज फिनजर्व का, और यहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस पे वो एग्जीक्यूट हो गया है। और अब हम पोजीशंस पे जाके स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे, और स्क्वायर ऑफ स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ पे हमने क्लिक किया, फिर ऑर्डर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से SL मार्केट, और उसके बाद ट्रिगर प्राइस हमने डाल दिया, मान लो 4575। ये मेरी सेल की पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है ये। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जो बाई का है वो मैं ऊपर की तरफ डालने वाला हूँ, यानी 4575 का स्टॉप लॉस, यानी 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस अगर मैंने रखा है। और दो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बजाज फिनजर्व की सेल की है एट 4510 प्राइस, ठीक है। तो चलो, मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई है विद 4575 का स्टॉप लॉस। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर मान लो मुझे कभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना हुआ, मान लो मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ रही है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करना है या स्टॉप थोड़ा सा रिस्क कम करना है अपना, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से मॉडिफाई करके आराम से ट्रेल कर सकता हूँ। 4560 का मैंने एडिट इसको कर दिया, और उसके बाद मैंने जब देखा तो मेरा देखो यहाँ पर जो ट्रिगर प्राइस था वो 4560 हो चुका है। तो ऐसे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। तो सिंपली आपको इतना करना है, ठीक है। बहुत से लोग पूछ रहे थे स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करें। आपको एक सेपरेट ऑर्डर डालना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। SL मार्केट टाइप का ऑर्डर आपको डालना है, सेपरेटली आपको डालना है वो ऑर्डर, ठीक है। आप स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके भी कर सकते हो उसको, या फिर आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हो। अब ये है जुबिलेंट फूड का चार्ट, और मान लो जुबिलेंट फूड का चार्ट देख के मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है, जो मैं अभी ऑर्डर के टाइप में भी आपको दिखाऊंगा। मान लो मुझे इसका चार्ट देख के लग रहा है कि 1266 के नीचे ये जाए तो ये सेल हो जाए, और 1303 के ऊपर ये जाए तो ये बाई हो जाए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं करना ये चाहूँगा कि मैं 1303 के ऊपर बाई करना चाहता हूँ, यानी 1303 के प्राइस पर मैं चाहता हूँ कि ये बाई हो जाए। तो मैंने लिमिट ऑर्डर लिया और 1303 का बाई प्राइस डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वांटिटी डाल दी 1, और यहाँ पर इसको बाई किया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे जो हो रही है, मैं बाई तो करना चाहता था 1303 पे, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होगा 1290 पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम ने ये सोचा कि भाई तू 1303 पे इसको बाई करना चाहता है तो 1290 पे ही कर ले, तेरा पैसा बच रहा है, ठीक है। लेकिन असलियत में हमारा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम तो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में या स्विंग में। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो 1303 के ऊपर ही बाई हो, क्योंकि वहीं पर हमारा मोमेंटम बनेगा। तो अब इस चीज़ के लिए हम करें क्या, क्योंकि अगर हम बाई का लिमिट ऑर्डर सीधे सीधे लगाएंगे, मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट पर एग्जीक्यूट, लिमिट ऑर्डर हायर प्राइस पे लगाएंगे तो भी मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। जी हाँ, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने के काम ही नहीं आता, बल्कि वो एक पेंडिंग ऑर्डर लगा, एक पेंडिंग ऑर्डर की तरह आप उसको देखो, ठीक है। मैं उसको कभी स्टॉप लॉस की तरह नहीं देखता, मैं इसको एक पेंडिंग ऑर्डर की तरह देखता हूँ। और यहाँ पे मैंने अगर 1303 के प्राइस पे मैंने SL मार्केट ऑर्डर लगा दिया, और क्वांटिटी मैंने अभी भी 1 रख दिया आपको दिखाने के लिए। तो देखो, मेरा ट्रिगर यहाँ पे सेट हो गया, और ये पेंडिंग ट्रिगर है, यानी अब जब भी ये 1303 के प्राइस पे जाएगा जुबिलेंट फूड, मेरा ये ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाने वाला है जुबिलेंट फूड में, ठीक है। तो ये है, मैं 1303 के अबव बाय करना चाहता हूँ, और 1266 के बिलो मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने 1266 का स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सेल साइड पे डाल दिया। अब देखो, मेरा बाय ट्रिगर और सेल ट्रिगर दोनों सेट हो गए। इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट अगर होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है, क्योंकि ये तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस ये दोनों ट्रिगर्स लगा के मैं स्क्रीन छोड़ के जा भी सकता हूँ, और मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैक्सिमम क्या होगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क नहीं है मेरा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस का ही रिस्क है। तो इस तरीके से भी आप ऑर्डर्स लगा सकते हो, अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे नहीं रहना चाहते हो। बस नोटिफिकेशंस को ऑन रखना मत भूलना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास दो लेवल्स होते हैं, जैसे बाई अबव या सेल बिलो करके, लेकिन आप चाहते हो कि बाई अबव आप ना करो, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होती, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ सेल साइड एग्जीक्यूट हो। तो वहाँ पर सेल साइड का SLM ऑर्डर लगा दो और नोटिफिकेशन को ऑन रख दो, तो जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, और फिर वापस आके बाई साइड का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप सेल बिलो या बाई अबव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना है क्या, स्टॉप लॉस का मार्केट ऑर्डर। या फिर अगर आप चाहते हो कि किसी छोटे किसी कम प्राइस पे बाई हो जाए, तो वो चीज़ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम बजाज फिनजर में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर आपको बताता हूँ। देखो, लिमिट ऑर्डर जब आप लगाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक
चलो मैं किसी और शेयर में आपको दिखाता हूँ, डिविस लैब में मैं आपको दिखाता हूँ लिमिट ऑर्डर का काम, कि मान लो आप बाई अबव नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं बॉटम पे ही हमारी बाइंग हो, एक लोअर लेवल में बाइंग हो। तो अगर मैं डिविस लैब को देखूँ, 1800 प्राइस चल रहा है, मैं 1850 पे अगर खरीदना चाहता हूँ, मैंने एक लिमिट टाइप का ऑर्डर लगा दिया 1850 पे, और अब ये मेरा ओपन ऑर्डर रहेगा और 1850 पर ही एग्जीक्यूट होगा। अब ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट सिस्टम अभी मार्केट प्राइस पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 1850 का प्राइस मार्केट प्राइस से कम है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर मैंने लिमिट ऑर्डर में बाइंग साइड में अगर मैंने कोई ज़्यादा प्राइस भरा है तो सिस्टम मार्केट प्राइस पे ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि सिस्टम ये सोचेगा कि भाई अगर तू 1900 पे इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो तो 1885 पे ये क्या बुरा है। आप भी तो ऐसे ही सोचते हो, दुकान अगर जाते हो, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही होती है, वही चीज़ 90 रुपये की मिल जाए तो आप मार्केट प्राइस पे उसको ले लोगे, यानी 90 पे। ट्रेडिंग में हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पर मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। तो मैंने आपको सेल साइड में भी दिखा दिया कि अगर मैंने एक हायर प्राइस जैसे 1950 पे मैंने सेल करना है तो वहाँ का भी मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, वो ऑर्डर भी ओपन रहा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, और वो चीज़ ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बजाज फिंसर में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही, मैं इसको लगभग मुझे लगता है 6-7 मिनट तो हो गए होंगे इसको सेल किए हुए, बिल्कुल ही एकदम उसी प्राइस पर, देखते हैं फसाना ले। चलो खैर जो भी है, चलते हैं हमारे अगले ऑर्डर की तरफ। और अगला ऑर्डर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो कुछ लोगों को डाउट था इस पे भी, SL लिमिट। तो SL लिमिट में आपको दो प्राइस मिलते हैं दोस्तों, बाई प्राइस और ट्रिगर प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, SL लिमिट थोड़ा सा रिस्की ऑर्डर है, क्योंकि आप कभी कभी क्या होगा कि एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर प्राइस बहुत ही तेज़ी से उस जोन, मतलब उस जैसे आपने कोई भी यहाँ पे प्राइस भरा, ठीक है, और उस प्राइस को बहुत ही तेज़ी से वो क्रॉस कर जाता है, तो कभी कभी क्या होगा आपका ऑर्डर फिल ही नहीं होगा और आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बाई प्राइस रखा है 124 का, मैं रख के दिखाता हूँ आपको, और ट्रिगर प्राइस मैंने रखा 123.8 का, तो इससे क्या होगा पता है, मेरा जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी 123.8 जैसे ही प्राइस आएगा सिस्टम को एक ट्रिगर मिल जाएगा और वो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होते होते हो सकता है कि मोमेंटम क्योंकि है तो मेरा 124 के प्राइस पे ही वो बाय हो जाए। तो इसलिए हम SL लिमिट ऑर्डर में हम ट्रिगर प्राइस लगाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ट्रिगर प्राइस एक 0.1 या 0.2 आप नीचे लगा दो आपका जो भी बाई प्राइस हो उससे, और वैसे ही हम सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप जो दो ऑर्डर्स पहले लगाते थे, जैसे हम बाई करते थे और स्टॉप लॉस लगाते थे, तो वो दोनों ऑर्डर आप एक ही स्क्रीन से लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कवर ऑर्डर लिमिट आपको दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि 115 पे मेरा बाई हो जाएगा और 110 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है इस कवर ऑर्डर में। मैं इसको मार्केट करूँगा तो ये मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद मुझे बस स्टॉप लॉस यहाँ पे देना है। अब वन कैंसिल अदर, यहाँ पे OCO या फिर इसको कुछ लोग ब्रैकेट ऑर्डर भी कहते हैं, इसमें मैं लिमिट SL लिमिट मतलब अलग अलग वेरिएशंस कर सकता हूँ, लेकिन फंडामेंटल वही रहने वाला है। मुझे एक बाई प्राइस यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद एक ट्रिगर प्राइस एंटर करना है, उसके बाद एक सेल प्राइस, एक स्टॉप लॉस सेल प्राइस, शायद आपको सारी पता हो रहे होंगे। सेल प्राइस मेरा बेसिकली अगर मैंने बाई किया है तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, और बाई और ट्रिगर प्राइस जो है वो वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे SL लिमिट में मैंने आपको बता रखे हैं। हो सकता है पहली बार आप वीडियो अगर देखो या पहली बार आप ये चीज़ समझो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। अब देखो इस ऑर्डर में मैंने क्या लगाया, 120 पे मेरा बाई हो जाए और 125 प्राइस अगर आ जाए तो मेरा सेल हो जाए और 5 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो जाए, या फिर अगर रिवर्स हो जाए तो अगर 117 आ जाए तो 117 पे कट जाए और 3 पॉइंट का लॉस बुक हो जाए, इसका बस यही मतलब है। तो यहाँ पे CO या OCO से आप कर क्या सकते हो कि आप एक ही बार में सब कुछ लगा सकते हो। AMO का फ़ायदा क्या है, AMO का फ़ायदा ये है कि ये एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। मैं थोड़ा सा अब इसको पॉज कर देता हूँ, ये एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर है बेसिकली, कि अगर आप मतलब मार्केट क्लोज हो चुकी है और आप चाहते हो कि कल के दिन मार्केट ओपनिंग पे ही कोई ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाए, वो आपको ध्यान देना है कि वो जो भी मार्केट का ओपनिंग प्राइस होगा उसी पे आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। उसके अलावा CO और OCO के बारे में एक और चीज़ आपको बता दूँ जो बहुत से लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस चीज़ पे, कि देखो CO और OCO आप सोच रहे हो कि बड़े अच्छे ऑर्डर्स हैं, अगर एक ही स्क्रीन पे मुझे सारे ऑर्डर्स लगाने को मिल जा रहे हैं तो फिर मैं नॉर्मल तरीके से क्यों करूँ। देखो नॉर्मल तरीके से करने का ये फ़ायदा है कि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हो इन टर्म्स ऑफ, मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मेरा जब फर्स्ट टारगेट आता है तो मैं कुछ क्वान्टिटी शेयर्स का जो है वो प्रॉफिट बुक करने की सोचता हूँ और बाकी कुछ क्वान्टिटी जो है मैं होल्ड करता हूँ विद द स्टॉप लॉस एट द कॉस्ट जोन, तो बाकी कुछ क्वान्टिटी मैं होल्ड करता हूँ फॉर द नेक्स्ट टारगेट फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर आप OCO या CO करते हो तो वहाँ पे जितनी भी आपने क्वांटिटी लगाई है वो सारी की सारी आपको एक ही बार में एग्जिट करनी होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बटन आएगा और वो है एग्जिट कवर ऑर्डर या फिर एग्जिट
ओ सी ओ ऑर्डर वन कैंसिल्स अदर ऑर्डर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट का ही बटन आएगा और जैसे ही आप एग्जिट दबाओगे वो आपका जो ऑर्डर है सारे के सारे ऑर्डर्स एग्जिट हो जाएंगे। तो आप पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको एक ही बार में एग्जिट करनी होगी, वहाँ पे आप पार्शल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है कि उसको अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको ऑर्डर्स की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और जहाँ पे आपने बेसिकली ऑर्डर जो आप लगाते हो जहाँ पे वो कंप्लीट लिख के आता है वहीं से वो एग्जिट होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।